यूं तो परिवर्तन और विकास की गति को धीमी होनी ही चाहिए। आदिवासी क्षेत्रों के लिए यह विकास और परिवर्तन नितांत आवश्यक तो है, परंतु वहाँ यह गति बहुत ही धीमी होनी चाहिए। सदियों से चली आ रही परंपरा में यदि कोई आमूल परिवर्तन होते हैं, तब वहीं से जन्म होता है एक विस्फोट का। मैं छत्तीसगढ़ हूँ। 1910 में हुए बस्तर के विद्रोह, इसके पीछे कारण क्या थे और किस तरह यह विद्रोह आगे बढ़ा, इसकी चर्चा आज हम यहाँ पर करेंगे। बस्तर के आदिवासियों का पाला जब स्वार्थी व अनाड़ी दरबारी राजनीतिज्ञों से पड़ा, तब स्थिति बद से बदतर होती चली गई और इसने एक विद्रोह का रूप ले लिया। इसे छत्तीसगढ़ में भूमकाल विद्रोह के नाम से जाना जाता है। 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक 10 वर्ष का बस्तर के इतिहास में विशेष महत्व है। बस्तर के आदिवासी संघर्षों के इतिहास में इस संघर्ष ने अपना एक महत्वपूर्ण स्थान बनाया है। पहली बार आदिवासियों ने बड़े पैमाने पर अंग्रेजों के विरुद्ध हिंसात्मक विप्लव में भाग लिया। यह आदिवासी संग्राम बस्तर को अंग्रेजों की दासता से मुक्त कराने का महासंग्राम है। बस्तर में भूमक अथवा भूमकाल, इसका शाब्दिक अर्थ होता है भूमि का कंपन, भूकंप अर्थात उलट पुलट हो जाना। यह संग्राम बस्तर बस्तर वासियों का है, इस नारे को लेकर इसकी शुरुआत हुई थी। इस आंदोलन के द्वारा आदिवासी बस्तर में मुरिया राज स्थापित करना चाहते थे। 1910 के इस भूमकाल विद्रोह के उत्पत्ति के कुछ महत्वपूर्ण कारण थे, जैसे अंग्रेजों द्वारा राजा रुद्र प्रताप देव के हाथों में सत्ता का न सौंपना, राजवंश से दीवान का न बनाया जाना, स्थानीय प्रशासन की बुराइयां, लाल कालेंद्र सिंह और राजमाता सुवर्ण कुमार देवी की उपेक्षा करना, बस्तर के वनों को सुरक्षित वन घोषित करना, वन उपज का सही मूल्य नहीं देना, लगान में वृद्धि करना और ठेकेदारी प्रथा को जारी रखना, घरेलू मदिरा पर पाबंदी लगाना, आदिवासियों को कम मजदूरी देते हुए नई शिक्षा की नीति को लागू करना, बस्तर में बाहरी लोगों का आना और उनके द्वारा आदिवासियों का शोषण करना, बेगारी प्रथा, पुलिस कर्मचारियों के अत्याचार, अधिकारियों कर्मचारियों और शिक्षकों द्वारा आदिवासी से मुफ्त में मुर्गा, शुद्ध घी और जंगली उपज को प्राप्त करना, आदिवासियों को अपना गुलाम समझना, ईसाई मिशनरियों के द्वारा आदिवासियों को धर्म परिवर्तन के लिए बाध्य करना, इस सभी कारणों के कारण ही इस भूमकाल विद्रोह की शुरुआत हुई। अक्टूबर 1909 में दशहरे के दिन राजमाता सुवर्ण कुंवर ने लाल कालेंद्र सिंह की उपस्थिति में ताड़ोकी में आदिवासियों को अंग्रेजों के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति के लिए प्रेरित किया। ताड़ोकी की सभा में लाल कालेंद्र सिंह ने आदिवासियों में से नेता नारग्राम के क्रांतिकारी वीर गुंडाधुर को 1910 ईस्वी की क्रांति का नेता बनाया और प्रत्येक परगने से एक एक बहादुर व्यक्ति को विद्रोह का संचालन करने के लिए मनोनीत किया। लाल कालेंद्र सिंह के मार्गदर्शन में अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति करने के लिए एक गुप्त योजना बनाई गई। जनवरी 1910 में ताड़ोकी में पुनः गुप्त सम्मेलन हुआ, जिसमें लाल कालेंद्र सिंह के समक्ष क्रांतिकारियों ने कसम खाई कि वे बस्तर की अस्मिता के लिए जीवन और अपना सर्वस्व कुर्बान कर देंगे। 1 फरवरी 1910 को समूचे बस्तर के क्रांतिकारियों ने इस क्रांति की शुरुआत की। विद्रोहियों की इस गुप्त तैयारी से पॉलिटिकल एजेंट डी ब्रेट भी बेखबर थी। विद्रोहियों ने इस विद्रोह में भाग लेने के लिए हर गांव में प्रत्येक परिवार से एक एक सदस्य को सम्मिलित होने के लिए प्रेरित किया। उनके पास लाल मिर्च, मिट्टी के ढेले, धनुष बाण, भाले, आम की डालियां प्रतीक के स्वरूप में भेजी गई। 1 फरवरी 1910 को समूचे बस्तर में इस विप्लव की शुरुआत हुई। 2 फरवरी 1910 को विद्रोहियों ने पुष्पाल बाजार में खूब लूट मचाई। 4 फरवरी को कुकानार के बाजार में बुंटू और सोमनाथ नामक दो विद्रोहियों ने एक व्यापारी की हत्या। 5 फरवरी को करंजी बाजार को लूटा गया। 7 फरवरी 1910 को विद्रोहियों ने गीदम में गुप्त सभा आयोजित कर मुरिया राज की घोषणा की। इसके बाद विद्रोहियों ने बारसूर, कोंटा, कुटरू, कुआकोंडा, गदेड़, भोपालपट्टनम, जगरगुंडा, उसूर, छोटे डोंगर, कुलूल और बहीगांव पर भी आक्रमण किया। 16 फरवरी 1910 को अंग्रेजों और विद्रोहियों के मध्य इंद्रावती नदी के खड़ग घाट पर भीषण संघर्ष हुआ। इस संघर्ष में विद्रोही परास्त हुए। खड़ग घाट युद्ध में हुंगा मांझी ने अपनी वीरता का परिचय दिया। 24 फरवरी 1910 को गंगा मुंडा के संघर्ष में विद्रोहियों की पराजय हुई। 25 फरवरी 1910 को डाफ नगर में विद्रोहियों ने वीर गुंडाधुर के नेतृत्व में अंग्रेजों के साथ संघर्ष किया।
अबुझमाड़ छोटे डोंगर में आयतु महरा ने अंग्रेजों के साथ संघर्ष किया। छोटे डोंगर में विद्रोहियों ने गेयर के साथ भयंकर संघर्ष किया था। सुप्रीम कमांडर गेयर ने पंजाबी सेना के बल पर विद्रोहियों का दमन किया। अंग्रेजों ने 6 मार्च 1910 में विद्रोहियों को बुरी तरह से दमन करना शुरू किया। लाल कालेंद्र सिंह और राजमाता सवर्ण कुंवर देवी को अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया। अनेक विद्रोहियों को कठोर कारावास की सजा दी गई। हजारों आदिवासियों को निशस्त्रीकरण किया गया। हजारों आदिवासियों को कोड़ा लगाने की कार्यवाही अंग्रेजों ने प्रारंभ की। कोड़ा लगाने की यह प्रक्रिया महीनों तक चलती रही, जो यह अंग्रेजों के द्वारा शुरू की जाने वाली जघन्य कार्यवाही थी। 1910 ईस्वी का विद्रोह बस्तर में 1 फरवरी से 29 मार्च 1910 तक चलता रहा। 1910 ईस्वी का भूमकाल बस्तर के आदिवासियों के स्वाधीनता संग्राम का एक महत्वपूर्ण अध्याय है, जिसने बस्तर में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव को हिलाकर रख दिया। विद्रोह की समाप्ति के बाद ब्रिटिश शासन ने बस्तर में दीवान बैजनाथ पंडा के स्थान पर जेम्स को दीवान बनाया। 1910 के इस विद्रोह की समाप्ति के बाद अंग्रेजों ने आदिवासी संस्थाओं को सम्मान देते हुए आदिवासियों से जुड़ने का प्रयास किया। यदि इस विद्रोह में बस्तर के राजा रुद्र प्रताप देव और कांकेर के राजा कोमल देव क्रांतिकारियों का साथ देते, तो बस्तर का यह 1910 का विद्रोह शायद सफल होता और अंग्रेजों को बस्तर छोड़कर जाना पड़ता। बस्तर के विभिन्न विद्रोहों और आंदोलनों में बस्तर कांकेर के आदिवासियों ने जो बलिदान दिया, वह अभूतपूर्व और अविस्मरणीय है। बस्तर संभाग के आंदोलन और क्रांतिकारियों का छत्तीसगढ़ के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। इस विद्रोह के वीर आंदोलनकारी गुंडाधुर थे। यूं तो आज तक उनके बारे में कोई प्रमाणित जानकारी नहीं मिली कि उनका अंत कहां और कैसे हुआ। विद्रोह को प्रचारित प्रसारित करने वाले और संघर्ष में नेतृत्व करने वाले यह प्रमुख आदिवासी नेता थे, जिसकी वजह से इन्हें छत्तीसगढ़ के तात्या टोपे के नाम से भी पुकारा जाता है। मैं छत्तीसगढ़ हूँ। इस श्रृंखला में आज आपने बस्तर के विद्रोह की जानकारी अर्जित करी। आने वाले वीडियो में अन्य महत्वपूर्ण पक्षों के साथ में मैं फिर से उपस्थित होंगी। तब तक के लिए मेरे सभी बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारा प्यार। थैंक यू सो मच, लव यू एंड गॉड ब्लेस यू टू ऑल माय बच्चा।